कपिल भगवान ने कहा, भक्त कौन है जिसकी सारी इंद्रियां अपने आप कृष्ण की ओर जा रही हैं, कोशिश नहीं कर सकता। तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में भक्त का लक्षण है, भक्ति जिसके पास है भक्त है। भक्ति कैसी है? देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम। देवानाम गुणलिंगानाम माने ज्ञानेन्द्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गुण ज्ञानेन्द्रियां, आनुश्रविक कर्मणिम कर्मेन्द्रियां और मन 11। सत्व माने भगवान में स्वाभाविक रूप से जो इंद्रियां चल रही हैं उसका नाम भक्त। हम लोगों की इंद्रियां संसार की ओर जाती हैं, इसको देखो उससे सुनो उससे बात करो, भक्त अंतर्मुख हो जाता है। निश्चय समझ लो, भगवान ने कहा है उसी को भगवत मार्ग, भगवान की प्राप्ति उसी को होती है। 5/24 में कहा, योन्ता सुखोन्तरा रामस तथा अंतर ज्योतिरेव च सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधि गच्छति। वो ब्रह्म रूप हो जाता है धीरे धीरे, इंद्रियां संसार से हट गईं, अंतः सुख भीतर सुख ले रहा है, अंतर रमण कर रहा है और अंतर ज्योति भीतर प्रकाश बढ़ता जा रहा है, वो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करेगा, वो भगवान की प्राप्ति करेगा। और जो जिसकी इंद्रियां बाहर रमण कर रही हैं, बाहर का लड्डू पेड़ा हम जैसे लोग मजा ले रहे हैं, वही सुख वही राम, बाहर अंधकार, यानी तीनों को उल्टा कर दो, भीतर सुख लिया भीतर रमण किया तो प्रकाश आया। अंतर सुखो अंतराराम अंतर ज्योति जोड़ा है, और बाहर का सुख लिया लड्डू पेड़ा कचौड़ी तो बाहर रमण किया और अंधकार मिला। भक्त अंतर्मुख होता है। यदा विनीतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व भूतेषु, वो अंतर्मुख। यदा विनीतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते और युक्त इत्युच्यते दा, सब स्प्रियाएं खत्म हो गई, अंतर्मुख हो गया, उसको भक्त कहते हैं। और जिसको संसार प्रिय है, संसार से संबंध रखता है, संसार को दिखाता है, संपर्क रखता है, उसको भगवान कहाँ मिलेंगे? मीरा ने कहा, मुझे रंग लगा है मीरा लाग्यो रंग हरी, चूड़ो मारो तिलक और माला शील बरत सिंगारो। ये जो सुहाग का चूड़ा बड़ा बड़ा पहना जाता है ये तो तिलक है, शील क्या है श्रृंगार क्या है, ये नहीं कि काजल लगाया पाउडर लगाया टीकी भी, शील शांत कोई गाली दे कुछ करे तो शील का श्रृंगार। और जिसको लिपस्टिक का पाउडर और क्रीम फीम का श्रृंगार है वो तो वेश्या है। कृपा करो कृपा करो राधा रानी कृपा करो।